हूं रमेश भट्ट और हरिद्वार की नकरी 2021 के महाकुंभ के लिए तैयार है। लेकिन इस महाकुंभ में जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा वो होगा द रामायण स्ट्रीट यानी रामपथ। इस रामपथ की मैं बात क्या कहूं, जिस भी कलाकार ने भगवान राम से जुड़े उन सारे दृश्यों को, उनके जीवन काल के दृश्यों को इतनी सुंदरता के साथ इन दीवारों में उकेरा है वो बहुत कला का धनी होगा। मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं, यहां से रामायण का प्रारंभ हुआ है और अगर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इस दीवार में जिस तस्वीर को उकेरा गया है, अग्निदेव राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद उन्हें खीर प्रदान कर रहे हैं और ये यज्ञ हुआ था पुत्र प्राप्ति के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो राजा दशरथ के साथ भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे रामायण काल के नाना प्रकार के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, चाहे माँ कौशल्या के साथ भगवान राम का बालचित्र हो, चाहे गुरु वशिष्ठ भगवान राम लक्ष्मण को शिक्षा दीक्षा दे रहे हो, धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ संपूर्ण हो, इसके लिए भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन जाते हैं। अगला दृश्य दिखाया गया है वो ताड़िका वध का है और उसके बाद एक दृश्य में राम लक्ष्मण राजा दशरथ की सेवा कर रहे हैं और उसके बाद जब उनके पास जनकपुरी से संदेश आता है सीता स्वयंवर का, तो रास्ते में जाते हुए अहिल्या के उद्धार का दृश्य बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद भगवान राम जनकपुरी जाकर धनुष भंजन करते हैं, परशुराम के साथ उनका संवाद होता है, के बाद सीता विवाह का दृश्य, अगर आप जाएंगे तो उसके बाद राम सीता का अयोध्या आगमन और उसके बाद मंथरा केकई को किस तरह से भड़काती है, उसके बाद सीता और राम राजा दशरथ से वनागमन की इच्छा जाहिर कर रहे हैं और उसके बाद के दृश्य एक से बढ़कर एक हैं। राम लक्ष्मण सीता वन के लिए जाते हैं, केवट नदी पार कराते हैं राम सीता और लक्ष्मण को और उसके बाद का दृश्य अगर आप देखेंगे, राजा दशरथ राम के मुंह में प्राण त्याग देते हैं, अत्रि मुनि उन्हें पंचवटी का रास्ता दिखाते हैं और यहाँ शूर्पणखा आती है और शूर्पणखा का नासिक भेदन होता है। उसके बाद जब रावण को पता लगता है तो वो सीता के हरण का माया जाल बिछाता है और सुबाहु को सोने का मृग बनाकर भेजता है। सीता हरण साधु वेश में रावण करता है और उसके बाद जब उसको ले जा रहा होता है तो जटायु उसके रास्ते में आता है, वो जटायु का वध कर देता है। राम लक्ष्मण जब जटायु को मिलते हैं तो जटायु राम लक्ष्मण को बताता है कि रावण सीता माँ का हरण करके लंका ले गया है। और इसके बाद भगवान राम पहुंचते पहुंचते शबरी के आश्रम में जाते हैं, यहाँ जूठे बेर खाते हैं, शबरी उन्हें ऋषिमुख पर्वत का पता बताती है और राजा सुग्रीव के बारे में बताती है। ऋषिमुख पर्वत पहुंचने से पहले हनुमान जी यानी रामचरितमानस में जिस बात का जिक्र किया गया है, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप धरो बल बीरा, उसके बाद हनुमान जी सुग्रीव से राम को मिलाते हैं। फिर उसके बाद बाली का वध होता है, सुंदरकांड के दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है कि हनुमान जी समुद्र योजन को पार करके सीता माँ की खोज में लंका जाते हैं और अशोक वाटिका में उनकी सीता माँ से मुलाकात होती है। अगला दृश्य जो है रावण के दरबार में हनुमान का है, उनकी पूंछ पे आग लगा दी जाती है और बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया किस तरह से हनुमान संपूर्ण लंका को आग के हवाले कर देते हैं। और इसके बाद लंका में धावा बोलने के लिए रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा करते हैं और समुद्र जब बताता है कि नाथनील नाम के इंजीनियर जो है ये सेतु बांध सकते हैं, सेतु बांधने का सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, वो दृश्यों को दीवारों में उकेरा गया है। कुंभकर्ण और रावण के वध को यहाँ दीवारों में उकेरा गया है और उसके बाद भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित हनुमान जी के साथ अयोध्या वापसी होती है और आखिर में जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है, लवकुश उसे पकड़े हुए हैं। अगर आप आ रहे हैं तो जरूर इस रामायण स्ट्रीट पे जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।